आ रही हूँ। बच्चों, आप इस वक्त खेली आई हैं क्या? फराज भाई नहीं आए? मुझे इस वक्त कुछ नहीं बताना और ना मुझसे कुछ पूछो। लेकिन बच्चों, हुआ क्या? मैंने सबको यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने नहीं बुलाया उसे, लेकिन किसी ने मेरी बात पर एतबार नहीं किया। फराज भाई ने भी नहीं? पता नहीं मेरे साथ क्यों होता है ये। मामूली सी जगह बनाई थी फराज के दिल में और हमने वो सब कुछ बर्बाद कर। इस आरिफ के बच्चे का ना मुंह तोड़ देना चाहिए। अम्मी अब्बू के सामने उस दिन तोड़ा तो था, क्या फायदा हुआ? वो तो मेरा घर तोड़ने पर तुला हुआ, सब कुछ खराब कर दिया, मुझे कहीं का नहीं रहने दिया उसने। मैं अभी जाती हूँ और जाकर अब्बू को सब बताती हूँ और कहती हूँ आरिफ को बुलाएं और उसकी टांगे तोड़े। नहीं, वे तो बीमारी से उठे हैं, वो खुदा ना खासा फिर से बीमार हो गए तो। अबू की गाड़ी की आवाज है अम्मी। प्राइम तो सो रहे हैं, जाओ भाग के देखो कौन है। जी बेटे, अल्लाह सब ठीक कर देगा। अम्मी गाड़ी वहां पर नहीं थी, मुझे लगता है अबू ने हमारी सारी बातें सुन ली। और कितनी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी मेरे बाप को मेरी वजह से। उनकी तो तबीयत भी बहुत खराब थी, न जाने कहाँ चले गए। मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मैंने बहुत सब्र से उस घर का हर जुल्म बर्दाश्त किया, आगे भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार थी, लेकिन इस आरिफ ने मेरे शोहर के सामने मेरा किरदार मशकूक बना दिया। अब फराज मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे। इधर मेरे पास। मम्मी आखिर अब्बू कहाँ गए होंगे?